हाय फ्रेंड्स, सभी को राम सलाम सत श्री अकाल। तो आज फिर आपके सामने जो वीडियो लेकर मैं आ रहा हूँ वो वीडियो बहुत ही ज्यादा फंटेस्टिक है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग पूछते हैं कि यार बैंक मेंटेन कैसे करें, बैंक को मेंटेन कैसे करना है। मैं कहता हूँ हाउ टू इम्प्रूव योर बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि सारी की सारी गेम जो है बैंक स्टेटमेंट के ऊपर टिकी होती है। सारी की सारी गेम जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर होती है। देखिए बैंक मेंटेन कैसे करना है, अगर इस वीडियो को आज आप शुरू से लेकर लास्ट तक सही तरीके से सुन लोगे तो मैं कहता हूं आप कभी भी बैंक में गड़बड़ नहीं करोगे। और आपका बैंक ही है जो आपको वीजा दिलाता है। एक आपकी इनकम आई बैंक में, और बैंक के जरिए जोड़ के बनती है आईटीआर। ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, इनकम, बैंक और आईटीआर, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखो ठीक है। इधर से इनकम आ रही है बैंक में, बैंक जा रहा है आईटीआर के माध्यम से, ठीक है ना। आईटीआर भरी जा रही है बैंक के और इनकम के माध्यम से, यानी ट्रायंगल है। तो ये चीज जो आपको अगर आज समझ आ गई, आपने वीडियो शुरू से लास्ट तक देख ली, मैं नहीं बोलूंगा इस चैनल को फॉलो करो, मैं नहीं बोलूंगा इसको सब्सक्राइबर करो, लेकिन मैं इस एक चीज बोलूंगा कि इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि काफी लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर बैंक कैसे मेंटेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं बात करूंगा पहले बिजनेसमैन की, कि बिजनेसमैन जो है जो अपने आप को बिजनेस शो करता है, लाइक कोई ट्यूशन सेंटर शो करता है, कोई सैलून शो करता है, कोई बुटीक शो करता है, कोई कुछ शो कर रहा है, कोई इंटरप्राइज बना रहा है, कोई डेयरी फॉर्म बना रहा है, तो वीजा फाइल में जो फाइल में अगर आपने बिजनेस शो कर दिया, आपके लिए करंट अकाउंट जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर सुन लीजिए, करंट अकाउंट को मैनेज कैसे करना है। आप दो अकाउंट लीजिए, एक सेविंग एक करंट। आप एक तीसरा अकाउंट सेविंग रखिए साथ में, मतलब दो सेविंग रखिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो उल्टी सीधी ट्रांजेक्शन करते हैं। नहीं, जैसे एग्जांपल से मैं बता रहा हूं आपका, मेरा है जसलीन एसोसिएट के नाम से अपना अकाउंट। आप गूगल पे जसलीन एसोसिएट डाल सकते हैं, आपको पूरा एड्रेस फोन नंबर के साथ मिलेगा। अब मेरा जो काम है, मेरा है अकाउंटेंसी का काम। मेरा मात्र काम जो होता है 1500, 2000, 5000, 10000, क्यों, अगर मैं किसी का पार्ट टाइम अकाउंट्स देख रहा हूं तो उनसे महीने का मैं 4000 भी ले रहा हूं, 5000 भी ले रहा हूं। अगर किसी का मैं आईटीआर भर रहा हूं तो मेरा 1000 रुपया फीस भी है, 1500 भी है, 2000 भी है, 2500 भी है। किसी का मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं तो 2500 भी लेता हूं। मैं ऐसे ट्रांजेक्शन जो है अकाउंट में करता हूं, करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन करता हूं। अब पूरे मंथ में मैं ये ट्रांजेक्शन अप डाउन करता हूं। अगर कोई मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरना तो करंट अकाउंट से भर देता हूं। बात को समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूं। अगर मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, मोबाइल का बिल भरना है, मुझे बिजली का बिल भरना है, या मुझे जोमैटो करना है, खाना खाना है, कुछ भी है, तो मैं क्रेडिट कार्ड जो है, सॉरी अपना करंट अकाउंट जो उसकी ट्रांजेक्शन कर देता हूँ। अगर मेरे पास जो इनकम है वो मंथली जो है मैं 1.5 लाख रुपए तक इनकम को घुमाता हूँ। अगर मेरे पास कोई इनकम नहीं आती है तो मैं किसी को फोन करके बोल देता हूँ कि यार मेरे अकाउंट में 10000 डाल दे, 5000 डाल दे, अकाउंटेंसी चार्ज लिख के। ये चीज होगी फर्स्ट। सेकेंड कि आपने एक रेगुलर इनकम बांध लेनी है, कि आपको पता होना चाहिए कि यार मंथली मैं इतनी कमाई करता हूँ 30000-35000। अब मैं मुझे पता है कि मैं 35500 रुपये मंथली निकाल लेता हूँ, ये मेरी इनकम, इतना मैं कर लेता हूँ काम, ठीक है ना। क्योंकि मेरा अकाउंट्स का काम है, मुझे कोई आईटीआर का नहीं है, या मुझे कोई यूट्यूब का नहीं है, या मुझे कोई मेरा जो है अकाउंट्स की पार्टियां भी है मेरे पास जो पार्ट टाइम काम करता हूँ। चलो एनीवे, ये जो इनकम आती है मैं हर महीने 35500 अपने करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ एज पर माय सेविंग, चाहे उसको सैलरी समझ लो आप। आप ये सोच लो कि जैसे मैं आया हूँ, मैंने सोचा मैं जसलीन एसोसिएट प्रोपराइटर तो मैं हूँ, मालिक में, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं जसलीन एसोसिएट के अंडर काम करता हूँ और उनसे सैलरी लेता हूँ। मतलब हर महीने आप चाहे 10 तारीख को, 5 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को, जब भी आपको टाइम लगता है, आप अपनी करंट अकाउंट से एक एंट्री जो सेविंग अकाउंट में डालनी है। जो मेरी थ्योरी है मैं सेम डालता हूँ। मैंने अगर 35500 डाला है तो मैं 1.5-2 साल से 35500 ही ट्रांसफर कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर कोई मेरी दूसरी पेमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट की आती है, तो वो मेरी आईटीआर में एड ऑन हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए जब मैं आईटीआर भरता हूँ ना, तो मैं जो ग्रोस वैल्यू है करंट अकाउंट की, उनका बिजनेस शो करके 35000 के हिसाब से प्रॉफिट निकाल के मैं अपनी आईटीआर जेन्युइन भरता हूँ। अगर मेरी आईटीआर कैलकुलेशन लगाएंगे तो फिर 35000 के हिसाब से ही भरी होगी, ठीक है। तो ये चीज आ गई, मतलब ऐसे आपने अकाउंट को मेंटेन करना है।
फालतू की एंट्री जो सेविंग अकाउंट है उसमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपने। अगर आपकी एक सैलरी आ रही है किसी में 5-7-10 हजार आगे लगवाता है, कोई 20 आगे लगवाता है, लेकिन आपने, मैंने काफी लोगों के देखे जो सेविंग अकाउंट में एक सैलरी तो आती है उसके अलावा अपने अकाउंटों के पैसे उल्टे सीधे गूगल पे किए जा रहे हैं, गूगल पे किए जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं उस चीज का। तो ये चीज नहीं करनी है। अब दूसरी बात जो मैं करता हूँ सैलरी वालों की, सैलरी वाले जो लोग होते हैं उनको करंट अकाउंट की जरूरत नहीं है, उनका सेविंग अकाउंट चलता है। अगर सैलरी अकाउंट हो तो वो भी सेविंग रहता है, अगर सेविंग है तो सेविंग ही होता है, वो सैलरी अकाउंट भी सेविंग होता है, वो एक नाम दिया होता है कि ये सैलरी अकाउंट है, उसमें जो सैलरी आ रही है आप उसी अकाउंट को रखिए, आपने कोई भी फालतू की ट्रांजेक्शन नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास अदर पेमेंट आ रही है उसके लिए आप एक अलग से अकाउंट रखिए, उसमें जो भी उल्टा सीधा काम करना है, उल्टा सीधा मीन कि जो भी आलतू फालतू की पेमेंट है उसमें लीजिए, उसमें क्रेडिट कार्ड के बिल भरिए या व्हाटएवर। जैसे आपकी सैलरी 35,000 आ रही है, या जैसे मेरी सैलरी चाहे करंट अकाउंट की है या सेविंग की है या सैलरी की है, 35,000 सैलरी आ रही है तो उसमें इन्वेस्ट कितना करना है, उसमें से हर महीने आपने 10,000 जो है खर्चा करना है। वो ये नहीं कि एक साथ निकाल दिया, कभी गूगल पे कर दिया KFC में, कभी मैकडी में कुछ शॉपिंग कर ली, ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, मोबाइल के चार्ज कर दिए, किसी को पैसे ट्रांसफर करनी है 1500-2000 कर दिए, ऐसे करके पूरे महीने के अंदर में 2-4 एंट्रियां जो है 10-12 हजार की कर लो, किसी महीने 8,000 कर लिया, किसी महीने 10,000 कर लिया। जो सैलरी वाले हैं वो भी सेम प्रोसीजर रखें। आपने क्या करना है, 5 महीने अपने बैंक को ऐसे मेंटेन कर लेना है, मेंटेन करने के बाद आप 5 महीनों के बाद रिजल्ट देखिए। आपने क्या करना है, अभी जो ITR भरी जाएगी, लाइक आज चल रहा है मार्च 2023, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है 31 मार्च को, 1 अप्रैल को न्यू ईयर शुरू हो जाएगा 24-25 का, 23-24 की ITR जाएगी, अब 23 की यानी 24 असेसमेंट 23 फाइनेंशियल, ये ITR अब जाएगी, ठीक है ना। तो जो ITR जाएगी ना, वो ITR जितनी आप भरोगे ना, पहले आपको अपना बैंक या अपनी सैलरी देखना, बहुत से लोगों की सैलरी अगर 25,000 है तो 3 लाख की इनकम बनती है, 50,000 डिटेक्शन लेके 2.5 लाख की रह जाती है तो वो अदर इनकम डाल देते हैं, तो अदर इनकम का आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता है, आप उठा के उसको 5 लाख की इनकम में ले जाते हैं, नहीं। वीजा जो है वो नॉर्मली फाइल में भी आया है, 1.5 लाख का अगर ITR तो भी आया है, 3 लाख का ITR तो भी आया है, जेन्युइन आया है, क्योंकि वो जेन्युइनिटी के साथ ही आपका जो है डॉक्यूमेंट या बैंक स्टेटमेंट या ITR जो है आपकी इनकम जो है वेरीफाई होनी चाहिए। ये चीज अगर आप कर लोगे ना, बैंक मेंटेन करना सीख लोगे, मैं कहता हूं कभी मार नहीं खाओगे आप किसी भी समय। जब से मैंने ये चीज शुरू की सभी लोगों के वीजा आया, मैं ठोक के बोलता हूं ना कि यार 18 साल के बच्चे का वीजा आ गया, 22 साल के बच्चे का वीजा आ गया, 26 साल के बच्चे फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा आ गया। हमारा चैनल देखोगे तो आप घबराओगे नहीं, हमारा चैनल देखोगे तो आप शर्माओगे नहीं, हमारा चैनल देखोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे, हमारा चैनल देखोगे तो आप किसी के पास नहीं लुट पाओगे, 15 लाख नहीं गवाओगे, 20 लाख नहीं गवाओगे, माँ बाप को कर्जाई नहीं करवाओगे, हमारा चैनल देखोगे तो अपने हर सपने को साकार कर पाओगे। आशु भरद्वाज वीजा एडवाइजर ठोक के बोलता है वीजा का लंगर, क्योंकि इस लंगर में बहुत लोगों के सपने साकार हुए हैं जो आज अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूं ये चैनल व्यूज के लिए, ये चैनल फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए काम नहीं करता है, ये चैनल एक समाज सेवा कर रहा है। आज दुनिया में तरह तरह के केस जो है पकड़े जा रहे हैं, फ्रॉड किया इसने, फ्रॉड किया, उन फ्रॉडों से सीखो। ये चैनल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, बहुत डीपली नॉलेज देता है। इनको देखते मेरे चैनल को देख देख के लोगों ने अपने काम शुरू कर दिए, ध्यान रखिएगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल से, फिर बोलने जा रहा हूँ, हमसे अगर वार्तालाप करनी है तो हमारा फेसबुक पेज आशु भरद्वाज सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं। हमारा इंस्टाग्राम आशु भरद्वाज वीजा एडवाइजर देख सकते हो, दुनिया भर के हिसाब से वहां पे वीजा अपडेट हैं, फोटोज अपडेट हैं, लोगों के फीडबैक अपडेट हैं। हमारा जो सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप है आशु भरद्वाज वीजा एडवाइजर, वही एक रीजन है जहां से अपॉइंटमेंट बुक होती है, जहां पे हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, जहां पर हमसे मीट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन तरह तरह की वहां पे अपडेट होती है, और यूट्यूब पे तो आप वीडियो देख ही रहे हैं। तो फिर ये चैनल जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सेवा प्रदान करता है, ये चैनल जो है चीप ट्रैवलर हमारा ही एक दूसरा अंग है, जहां पे हम टूर पैकेज की इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं, ब्लॉग्स डालते हैं, लेकिन ये वीडियो जो थी बहुत जरूरी थी आप लोगों को बताने के लिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।